गाड़ी में खानी होगी शाहरुख को। शाहरुख मुझे हमेशा टेस्ट 150 रुपये पता लगते हैं यार मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम सुबह सुबह टपक गए हैं। शाहरुख भाई से कहा था कि कुछ यार नाश्ते वास्ते में चलते हैं खाने, बहुत रात के ब्लॉग कर लिए हमने। तो शाहरुख भाई हमें लेकर आए कीमा परांठा में। शाहरुख भाई कौन सा परांठा? कीमा परांठा। कीमा परांठा में लेकर आए न्यू पार्क में। तो इनका परांठा की कोई ख़ास बात होगी जब मुझे लेकर आए यहाँ पे, तो उन्होंने व्लॉग भी कर लिएगा। तो और 12-13 इंच का परांठा होता है इनका, और ये किलो के हिसाब से ये कीमा परांठा देते हैं। तो फिर चलते हैं, आपसे भी शेयर करते हैं इसका रिव्यू कैसा टेस्ट है। मैं पहली बार ट्राई करूंगा, शाहरुख भाई शायद खा चुके हैं, तो लेट्स गो। शाहरुख भाई हमें ले जाते हुए, शाहरुख भाई कीमा परांठे पे, और ये बड़े चौड़े बने हुए, इतनी सख्त सर्दी में कुछ भी पहन के नहीं आया। शाहरुख भाई आप इसी की बात कर रहे थे आप? तो ये तो 10 बंदे खाएंगे एक साथ। नहीं आप अकेले भी खा लो जितना खा। नहीं मैं नहीं खा। अच्छा कितना होता है? 150 रुपये पाओ। आपने कुछ पहना हुआ क्यों नहीं है? नहीं करूँगा अब ऐसे भगा दिया। अच्छा सलाम भाई, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद। सईद भाई है। सईद भाई क्या लगा रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप सुबह सुबह? पूरी बना रहे हैं। पूरी? और ये कीमे परांठे का क्या सीन है आपकी? कीमे परांठे का सुना है हमने, आप खाएंगे इंशाल्लाह, आप खुद बताएंगे। अच्छा कब से बना रहे हैं कीमे परांठा आप? कीमे का परांठा 30 साल होगा। 30 साल? माशाल्लाह 30 साल हो गए आपको। और बाकी क्या मतलब आपकी खासियत है इस ब्रांड में? खासियत तो है, अब आप खाओगे तो आप खुद बताओगे क्या। अच्छा हम खुद बताएंगे। अच्छा ऐसे पता नहीं लगेगा है। और रिस्पांस किसका आया था? पूरियों का होता है या कीमे परांठे का होता है? ज़्यादा कीमे परांठे का होता है। अच्छा 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 चले भाई देखते हैं। शाहरुख भाई चलो भाई बोल रहे हैं आप खा के ही बताएँ। कितने इंच का होता है? ये होता है 2.5-3 किलो का। अच्छा साइज क्या है इसका? फिर होगा 12-15 इंच का है ना। 15 इंच का? 15 इंच अपन तो इतना ही महंगा नहीं था अपन खा देखें। हाँ एक पाव काफ़ी अपने पेट के लिए, छोटा पेट हमारा नहीं छोटा पेट है मेरा कह सकते हैं। इनके पास पूरियाँ भी मिल रही है। शाहरुख भाई पूरियाँ बना भी रहे हैं ये, और ये ज़बरदस्त पूरियाँ। मेरे भी डाल दिया ना तारा। बैठ के खाने का तो सीन है। वो खा रहे हैं 4 बंदे। वो देखो वो अपनी प्लेट लेकर, ये हमें बाकी को नहीं है, बाकी को 4 को स्पेशल लग रहे हैं मुझे। तो हमने ये गाड़ी में खानी होगी। शाहरुख पाव लिया है मैंने जो चकले फर्स्ट टाइम आए। जाहिर सी बात है आप नहीं खाएगा, फिर वीडियो बनाइएगा। तो इनके पास और भी चीज़ें मिलती हैं, हलवा भी मिलता है इनके पास, हलवा अखरोट भी है इनके पास, हलवा सोहन भी है, प्राइस भी लिखे हुए हैं सिर्फ ये, और पूरियाँ भी है सिर्फ ये, परांठा नहीं है। लेकिन ये परांठा इनका यूनिक है, ये 12 इंच का है। तो मैं सही था ही, हम नहीं खा सकते ये, बस ये दो, ये कम से कम 10 से 20 बंदों का है ना।
यार ये लीजिए, बेशर्मों की तरह कार में बैठकर टेस्ट का रिव्यू देंगे। मेरा गरीब दोस्त, मेरा गरीब दोस्त। तो शाहरुख भाई, अपन को ये गाड़ी में बैठ के खाना पड़ेगा यार, इन्होंने धोखा दिया हमें यार। लेकिन यार ये आप देखें सही, ओहो ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। शाहरुख भाई आपने कब खाया था ये? ये मैं जब छोटा होता था तब खाता था, अबू लेकर आया करते थे। तो ये आप देखें माशाल्लाह, इस कीमे ब्रांडा ये बोले 30 साल से लगा रहे हैं और ये इन्होंने फिलिंग की हुई है। देखें सब्ज़ी मसाले और कीमा, मैं पहली दफ़ा खाऊंगा ये इतनी हैवी चीज़, स्पेशली इसके लिए आए। तो शाहरुख भाई ट्राई करें, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा है, मज़ेदार है और मसालों को मैं यही कहूँगा कि मसाले थोड़े यूनिक हैं। मुझे जो लगा था ना कि कीमे टाइप होगा जिसे घर में बनते हैं, तो शाहरुख भाई वैसा नहीं है। तो इन्होंने अपना अलग ही कोई मैार है इनका, इन्होंने ज़्यादा इसमें कीमे से ज़्यादा जो है ना इनकी इन्होंने इसमें जो ऐड किए हुए मसाले ज़्यादा ऐड किए हुए इसके अंदर, मसाले और सब्ज़ी। तो नो डाउट, नॉट बैड। तो पास करते हैं आप इसे? मैं पास करता हूँ। तो मेरे को खाने में मिलेगा थोड़ा? ले लें आप, लें और आप भी रिव्यू दें। हाँ तो शाहरुख भाई, मुझे हमेशा टेस्ट 150 के पता लगते हैं यार, मुझे समझाओ ये बात। आपकी क्वालिटी कैसी क्वालिटी? ये तो क्वालिटी नहीं लग रही मुझे, और नो डाउट अभी मज़ा आ रहा है मुझे इसका। जैसे जैसे ये मैं एंड की तरफ गया हूँ तो आधे ज़्यादा तो मेरा शाहरुख भाई खा गए। तो ये है कि नमक अमूमन ये मुझे बताया, पता लगा है कि ये परांठा होता है इनका ऐसा है ना, इनके मसाले ज़्यादा तेज़ होते हैं और भरपूर खाया जाता है, और ये पहले बना के रख लेते मेरे ख्याल से ना। तो बनते हुए हम नहीं दिखा सके आपको, लेकिन मैं आपको जो मुझे जितना पता लगा कि इन्होंने मसाले ज़्यादा ऐड किए हुए, कीमा भी है और इनका होता ही ऐसा ही है। और मुझे अभी एंड में इस पर बड़ा मज़ा आ रहा खाने में, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप आइए, ज़रूर खाइएगा। अच्छा है परांठा, नो डाउट, टेस्ट बिल्कुल अच्छा है, आप नाउम्मीद नहीं होके जाएंगे। और बाकी लोकेशन ये मैं आपको बता दूं, इसकी लोकेशन ये 7 नंबर है ना, तो ये 7 नंबर में हसीन मार्ट के बराबर में बिल्कुल इनकी शॉप है, और ये ईमानदार हलीम ठिया भी है यहाँ पे इसके बराबर में है। और ये मज़ेदार कीमे परांठे आपको 12 इंच का 13 इंच का आपको बड़ा नज़र आ जाएगा ये। तो लेकिन आपने वो पूरा तो खैर नहीं खा सकते, तो ये आप यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हैं सुबह सुबह, और बड़ा अच्छा लगा मुझे, नो डाउट, नॉट बैड। तो फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए जाकिए के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप यही बताइएगा कि नेक्स्ट व्लॉग जो हैदराबाद के हैं, हम नेक्स्ट व्लॉग कहाँ करें, तो हमें सजेशन दिएगा। और आपसे मिलते हैं भी नई वीडियो में नए जाकिए के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।